सर रिक्वायरमेंट पढ़ लो बाय यूजिंग द रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच कंप्यूट द मिनिमम प्राइस पर यूनिट डेट आरएल में कोट। आरएल कौन है? रिंग लिमिटेड। तो ये सवाल इतना ही मैं आपको डिस्प्ले कर सकता हूं, बाकी आपको व्हाट्सएप पे जो आपको मैंने हैंडआउट भेजा था बुक में है, बेहतरीन पेज नंबर। सर से डिसीजन मेकिंग में एफओएच कंसीडर नहीं होगा, यहाँ कैलकुलेशन में कंसीडर करेंगे। बेटा इंक्रीमेंटल एफओएच हमेशा कंसीडर होता है, जो ऑलरेडी चल रहा होता वो कंसीडर नहीं होता। कौन सा? सारी डिसीजन में नहीं होता, शटडाउन एक अलग केस है, वहां पर देखा जाता है अवॉइडेबल एंड अवॉइडेबल। पेज नंबर 193 क्वेश्चन नंबर 17। सर शुरू हो जाओ, 15 मिनट का टाइम दूंगा इससे ज्यादा। इसके लिए आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल बस साइज देख के डरो नहीं, आसान सवाल। बेटा देखो तुम्हें रेलिवेंट कॉस्ट निकालनी है, कह रहा मिनिमम होती है ना, मिनिमम हर कंपनी कौन सी कॉस्ट चार्ज करती है। देखो दो किस्म के सिनेरियो होते हैं कॉस्ट चार्ज का, या तो तुम्हें सवाल में कहेगा इतना मार्कअप इतना मार्जिन कमाते हैं हम, तो कॉस्ट को बेस बना के सेलिंग प्राइस निकाल दोगे और डिवाइड करवा लोगे नंबर ऑफ यूनिट्स है। या अगर तुमसे वो नहीं देता मार्कअप मार्जिन की बात, तो हर कंपनी एटलीस्ट अपनी कॉस्ट क्या करेगी, कवर करेगी अपनी कॉस्ट, क्या करेगी रेलिवेंट कॉस्ट जो कंपनी की जेब से निकल रहा है वो एटलीस्ट क्या करेगी, कवर अप करेगी। शुरू हो जाओ, लेबर के सेकंड पॉइंट पे हो। मशीनरी आसान है, डायरेक्ट मटेरियल भी आसान है, एट रुपीज 4,000 पर यूनिट, कोई मसला नहीं बेटा, कोशिश करूंगा। उसका फॉर्मूला एक होगा, बस उसका फॉर्मूला देख लेना, सही है। आरएल प्लेस द ऑर्डर फॉर रॉ मटेरियल डबल ए टू। सर आरएल ने क्या करा, एक डबल ए टू का मटेरियल का ऑर्डर प्लेस कर दिया, एंड द सप्लायर एग्रीड टू सप्लाई द मटेरियल इन सेकेंड वीक ऑफ मार्च 2020। सर जनवरी में एग्रीमेंट में आया, कब आया? जनवरी के अंदर तो एग्रीमेंट के अंदर है, तुमने सप्लायर को माल ऑर्डर प्लेस कर दिया जो मार्च के सेकंड वीक में तुम्हें मिल जाएगा। सर आरएल हैड आल्सो हायर्ड स्किल्ड लेबर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जिंक। सर स्किल्ड लेबर को भी हमने हायर कर लिया है जिंक की प्रोडक्शन के लिए। हाउएवर इन फरवरी 2020 जीएल वेंट बैंकर, जिससे हमारा इनिशियल एग्रीमेंट हुआ था कि तुम्हें जिंक देंगे 4,000 रुपए पर यूनिट पे, और जिसके जिस एग्रीमेंट के लिए हमने मटेरियल भी ऑर्डर कर दिया, हमने लेबर भी हायर कर लिया, वो कंपनी क्या हो गई है, बैंकरप्ट हो गई है फरवरी के महीने में। अब क्या करेंगे सर इस मटेरियल का, इस लेबर का? क्योंकि मटेरियल और लेबर हमने क्यों लिया था, ताकि गामा लिमिटेड को जिंक बना के हम दे दें। अब सर देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा आरएल हैड रिसेंटली बीन अप्रोच्ड बाय सिग्मा लिमिटेड। सर एक और कंपनी उसने अप्रोच किया फॉर सप्लाई ऑफ 3500 यूनिट्स ऑफ डी जिंक, विच इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ जिंक। सर उसने कहा भाई हमें जिंक नहीं, हमें डी जिंक चाहिए और 3500 यूनिट चाहिए, कितने चाहिए? कह रहा आरएल कैन यूज द ऑर्डर्ड रॉ मटेरियल एंड द हाई स्किल लेबर फॉर दिस प्रोडक्ट। सर उस एग्रीमेंट के लिए तुम्हारे वेस्ट हो गए ना, मगर सब ऑर्डर किए में अभी आए, खरीदे में नहीं है, कॉमन यूज वाली सारी कहानी अभी नहीं है। आपने बस ऑर्डर किया था सप्लायर को, दूसरा लेबर भी हायर किया था, लेकिन अगर गामा लिमिटेड बैंकक्रप्ट हो गया है तो आपको किसने अप्रोच किया, सिग्मा लिमिटेड ने, और सिग्मा लिमिटेड आपसे पूछ रहा है भाई मुझे डीजिंग बना के दे दो 3500, और वही आपसे क्या कह रहा है सिग्मा के भाईजान, ये जो आप जो डीजिंग बनाने के लिए यही रॉ मटेरियल और यही स्किल लेबर आप उधर यूज कर सकते हैं। कह रहा है द प्रोडक्शन ऑफ डीजिंग विल टेक 3 months, कितना महीने चलेगा सर? 3 महीने में डीजिंग प्रोड्यूस होगा। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन दिस रिगार्ड। क्या कहता है मशीनरी, स्पेशलाइज मशीनरी विल बी नीडेड टू प्रोड्यूस डीजिंग। सर वहां पर ऐसी मशीन अवेलेबल नहीं है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा। फॉलोइंग प्रोपोजल अंडर कंसिडरेशन, हमें ये स्पेशलाइज मशीन चाहिए, कुछ प्रोपोजल आए। एक बंदा कह रहा है लीज मशीनरी फॉर 3 months, लीजिंग की प्रोडक्शन भी 3 months की थी, एट मंथली लीज रेंटल्स ऑफ 2.5 लाख एंड एन अपफ्रंट पेमेंट ऑफ
रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ रुपीज 5 मिलियन. कह रहा भाई आप एक सिक्योरिटी डिपॉजिट 50 लाख रुपए जमा करवा दो, मजीद क्या करो 2.5 लाख रुपए रेंटल हम आपसे लेंगे हर महीने का 3 महीने तक. हमने कहा अच्छा. कह रहा अपफ्रंट पेमेंट जो तुम्हें 50 लाख देनी है ना विल बी फाइनेंस्ड थ्रू रनिंग फाइनेंस एट 20% पर, और तो 3 महीने के लिए चाहिए, 3 महीने मशीन इस्तेमाल करोगे वापस करोगे ये पैसा वापस. सर एज पर द लीज टर्म मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ 15,000 विल बी बॉर्न बाय द लेसर. लेसर कौन होता है? जो मशीन भी आपको देता है, हम लेसी कहलाते हैं. हम अगर मशीन ले रहे तो हम क्या कहलाएंगे? लेसी. जो सामने वाला हमें मशीन दे रहा है वो क्या कहलाएगा? लेसर. तो सर इसकी मेंटेनेंस हमारे ऊपर नहीं है, इसकी मेंटेनेंस कौन करवाएगा? वही करेगा. तो सर अगर मैं ये प्रोपोजल 1 देखूं मशीन का एक प्रोपोजल 1 है सर. सर वो कह रहा है मंथली रेंट, मंथली रेंट 2,50,000 और कितने महीने कितना आ जाएगा? सर तुम्हें जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो तुम रनिंग फाइनेंस से फाइनेंस करोगे तो इस मशीन ऐसे वो कॉस्ट भी इनकर हो रही है. तो सर फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंसिंग कॉस्ट सर कितना? 5 मिलियन, 20% पूरे साल का और कितने महीने कितना आएगा? बिल्कुल शेजल इंटरेस्ट कंसिडर होगा कितना? 2.5 लाख. ये भाई साहब कह रहे हैं एक प्रपोजल में 1 मिलियन. दूसरा प्रपोजल कौन सा हमारे पास? लीज मशीनरी एट मंथली लीज रेंटल्स ऑफ 1,60,000 फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ. तुम्हें सस्ते में मिल रही है मगर 6 महीने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इसको अपने पास रखना पड़ेगा. इन दिस केस मंथली मेंटेनेंस ऑफ ₹20,000 विल बी बॉर्न बाय, हमें बॉर्न करना पड़ेगा, विच विल बी इंकर्ड ओनली इन द मंथ्स इन विच मशीनरी इज. सर किराया तो 6 महीने का देना पड़ेगा मगर मेंटेनेंस बस 3 महीने की, जिस महीनों में मशीन क्या होगी? ऑपरेटिव होगी. तो सर मुझे एक बात बताओ, प्रपोजल 2 जो है आपके पास मंथली 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ्स कितना? और सर आपके पास मेंटेनेंस, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट वाली चीज नहीं है, 20,000 मगर सर कितने महीने? सिर्फ उन महीने जिन महीनों में कहीं तुम्हारे डीजिंग 3 महीने बनाने है, तो तुम्हें मशीन की जरूरत भी कितने महीने की थी? 3 महीने. तो कितना आ जाएगा सर? 10 हो गया. सर ये पॉइंट हो गया. सर पॉइंट 2 डायरेक्ट मटेरियल की बात कर रहा है. सर गौर से सुनना. सर फॉलोइंग रॉ मटेरियल्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईच यूनिट ऑफ डीजिंग. 3500 यूनिट्स है, कितने सर? 15 यूनिट्स ऑफ AA2. सर हर एक यूनिट के लिए कितना चाहिए? 15 और 3500 है. अब सर एक बात सुन, AA2 से कुछ याद आ रहा है? ऊपर ऑलरेडी हमने AA2 का एक ऑर्डर दिया हुआ था. कहा दिया हुआ सर, याद है? AA2. हाँ सर, और क्या कह रहा है? कह रहा है RL has already ordered 50,000 units of AA2 at ₹75 per unit under the original contract of zinc. सर याद है गामा लिमिटेड के लिए हमने ऑर्डर किया था RL ने, जो सेकंड वीक ऑफ मार्च में डिलीवर हो रहा है और ₹75 के हिसाब से डिलीवर हो रहा है. कितने यूनिट्स? 50,000. कह रहा है द करंट मार्केट प्राइस फॉर AA2 इज रुपीज 80 रुपए का भी करंट है. कह रहा है इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फुलफिल्ड, अगर तुमने ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट 50,000 ऑर्डर वाला है फुलफिल नहीं किया, तो पेनल्टी ऑफ 20% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू
will be payable by RM. So, जरा मुझे contract value बताओगे? 50,000 यूनिट और एक यूनिट 75 रुपए के हिसाब से तुमने ऑर्डर किया हुआ है, कितना आता है? 37 सर, अगर तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, ये अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिया, तो इसका 20% 7,50,000 की पेनल्टी देनी पड़ेगी। सर अब गौर से सुनना, मुझे ऑलरेडी AA2 चाहिए, मुझे ऑलरेडी AA2 चाहिए, मार्केट में भी मिल रहा है 80 रुपए का, कितने का मिल रहा है? मैंने ऑलरेडी ऑर्डर किया 75 रुपए का, कितने का? मतलब 75 रुपए का क्या था? गामा लिमिटेड के लिए, इसलिए क्या था? अगर अभी इस्तेमाल हो सकता है। सर अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर लेता हूं, क्या मेरी पेनल्टी बच जाएगी? हाँ, या तो मेरे पास दो ऑप्शन है, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दूं, भाई फोन करूं, भाई ये नहीं चाहिए, अब मुझे कितने चाहिए? सर अभी कितना था ये जरा, 5,000 ये 15 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 3500 डीजिंग्स बनाने में कितना है? क्या सर मैं ये करूं कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दूं और बोलूं भाई 80 रुपए के हिसाब से 52,500 भेज दे? नहीं सर। सर अगर तुमने सिग्मा लिमिटेड वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया तो कंपनी के 7,500 बच जाएंगे। हाँ सर, कंपनी पेनल्टी से बच जाएगी, क्या ये बात समझ आ रही है? सर अगर मेरे पास सिग्मा लिमिटेड का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो कंपनी की जेब से क्या जा रहे हैं? 7,500 रुपए कंपनी की जेब से आउटफ्लो हो रहा है सिग्मा लिमिटेड का कॉन्ट्रैक्ट लेने की वजह से। क्या कंपनी के 7,500 बच जाएंगे? यस सर, कंपनी के 7,500 बच जाएंगे। तो आपकी इसकी जो रेलिवेंट कॉस्ट है सर AA2 की, सर मटेरियल पे आ रहा हूं, किस बारे में पहला है कौन सा? सर 3,500 यूनिट्स बनाने हैं आपको डी जिंक के, और हर एक के 15 कितना चाहिए? 52,500 जो है, 50,000 तुम्हारे पास ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ सर, उस कॉन्ट्रैक्ट की अगर तुम ये इस्तेमाल कर लेते हो तो कितने पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के? 50,000 × 75 कितना आया? 7,500 बचेंगी भी तो सही। हाँ सर, इस्तेमाल करने के तुम्हारे 7,500 कंपनी के क्या होंगे? बच जाएंगे। क्या बात समझ आ रही है? हाँ सर, कंपनी अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को ले लेती है सिग्मा वाले, तो आपको ये जो AA2 है ना, ये 37,50,000 का नहीं पड़ रहा, ये इफेक्टिवली कंपनी को कितने का पड़ रहा है? 30,00,000 का, क्योंकि भाई 37,50,000 तो दे रहे हो मगर 7,500 पेनल्टी वाले बच भी रहे कंपनी को ना, कंपनी को ये पेनल्टी देनी पड़ जाती। बात समझ आ रही है? इसका ना दो, कैंसिल कर दो, 7,500 भी दो, 80 के साथ दूसरे भी खरीदो, ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। आप करोगे 80 के हिसाब से पूरे को पूरे वापस दोगे 50,500? अगर मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूं जेब से, भले 37,50,000 निकल रहे हैं मगर 7,500 बच भी तो रहे, जो अदरवाइज क्या करने पड़ते? एज अ पेनल्टी देने पड़ते, एज अ पेनल्टी क्या करने पड़ते? देने पड़ते मुझे। भाई बंदा कह रहा है ठीक है भाई तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, ठीक है 7,500 रुपए भेज दो मुझे। क्या भेज दो? मैं 7,500 भेजता, फिर 52,500 का ऑर्डर देता 80 के हिसाब से, कंपनी की कॉस्ट ज्यादा लग जाती। अभी अगर मैं 37,50,000 जेब से तो जा रहे हैं मगर एक जो हिडन पीछे वाली पेनल्टी बच रही है वो भी तो सेव हो रही है मेरी, वरना 7,500 कंपनी के क्या होते? मजीद निकलते। हाँ सर, इसका बैंकरप्ट वाली, वो तो गामा लिमिटेड बैंकरप्ट हुआ है तो दूसरी कंपनी आई है सिग्मा लिमिटेड, तो दूसरी कंपनी ने अप्रोच किया हमें। गुड मॉर्निंग, सही है सर, गामा लिमिटेड बैंकरप्ट हो चुकी है, सिग्मा लिमिटेड हमें प्रपोजल है, वो भी डी जिंक का, किसका? जिंक का नहीं, किसका दिया? मॉडिफाइड वर्जन है। तो सर क्या ये AA2 की जो 50,000 की रेलिवेंट कॉस्ट है मेरे लिए 3,000,000 बनेगी? हाँ सर, क्योंकि 37,50,000 में जेब से अपफ्रंट तो जा रहे हैं मगर जो 7,500 जाते वो बच भी तो गए, वो बच भी तो गए। क्या समझ आ गई बात? सर बाकी जो तुम्हारे पास है कितने? 2,500 यूनिट्स, उनको 80 रुपए के हिसाब से ऑर्डर कर दो, कितना?
तो सर तुम्हारे पास कितना आ गया, 882 3.2 मिलियन। मींस अगर सिग्मा लिमिटेड का ऑर्डर लू या ना लू पेनल्टी तो देनी होती, नहीं बेटा अगर सिग्मा लिमिटेड का ऑर्डर ले रहा हूं तो पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। अगर सिग्मा लिमिटेड का ऑर्डर नहीं लिया तो 50,000 यूनिट डबल ए टू के क्या करूंगा, चार डालूंगा, नहीं ना, ये डबल ए टू के यूनिट मेरे काम आ जाएंगे सिग्मा लिमिटेड में। तो अगर प्रोपोजल में एक्सेप्ट करता हूँ सिग्मा लिमिटेड का तो कंपनी की 7.5 लाख रुपए की पेनल्टी सेव हो जाएगी। बात समझ आ रही है, सेट हो गया सर? सर बाकी जो है इसको हम नेक्स्ट क्लास में देख कर आना। सर पेनल्टी लेस क्योंकि ये पैसा तो देना है ना, 37,50 तो देना है, मगर 7.5 लाख बच भी तो रहा है जो पेनल्टी की सूरत में देने पड़ते, पेनल्टी भी तो बच रही है, पेनल्टी बचा रहा हूं ना मैं इसको सिग्मा लिमिटेड इस्तेमाल करके। तो इसकी रेलिवेंट कॉस्ट क्या हो गई, 3 मिलियन हो गई, 37,50,000 नहीं हुई। सेट है, डन है सर? इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके आ जाना खुद से, मैं इसको डायरेक्ट पूरा सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।